नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। ये साल वर्ल्ड कप का साल है। साल 2023 में टीम इंडिया चाहेगी कि वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम। इसकी तीन वजह है। एक तो ये वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, दूसरी वजह यह है कि भारत ने पिछले कई सालों से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है, और तीसरी वजह यह है कि भारतीय टीम अभी भी उनके पूर्व कप्तान एमएस धोनी को मिस करती है। एमएस धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को तीन आईसीसी ट्रॉफीज जिताई हैं, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर टी20 वर्ल्ड कप। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब जब एमएस धोनी टीम के साथ नहीं है, संन्यास ले चुके हैं, तो उनको लेकर तमाम चर्चाएं होती रहती। आज भी एमएस धोनी की वापसी की मांग लगातार उठती है। ऐसे में खबरों की माने तो साल 2023 में होने वाले वनडे विश्व कप से एमएस धोनी क्या टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे या नहीं, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने 15 खिलाड़ियों का अपने हिसाब से चयन कर दिया है। खबरों की माने तो धोनी ने भारतीय टीम के उन 15 खिलाड़ियों का नाम बताया है जो शायद वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा होने चाहिए। उनकी मुताबिक अगर उनकी टीम के बारे में बात करें तो उनकी टीम में रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं। रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली भी टीम की एक इंपॉर्टेंट पिलर है। इसके बाद हार्दिक पांड्या का नाम आता है, इसके बाद ईशान किशन, इसके बाद नाम आता है सूर्य कुमार यादव का, इसके बाद शार्दुल ठाकुर, इसके बाद रविंद्र जडेजा, इसके बाद स्पिनर्स की बात की जाए तो युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर का नाम उन्होंने रखा है। एमएस धोनी की अगर टीम की बात की जाए तो उनकी टीम में श्रेयस अय्यर को भी जगह मिलती नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने एक थोड़ा सा फेरबदल किया है, केएल राहुल की जगह उन्होंने अपनी टीम में रखा है संजू सैमसन को। संजू सैमसन फिलहाल चोटिल चल रहे हैं और लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की टीम से बाहर हैं, लेकिन संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए एक अच्छा हथियार हो सकते हैं। इसके अलावा धोनी की टीम में शुभमन गिल भी हैं। वहीं उसके बाद उन्होंने रखा है यहाँ पर मोहम्मद सिराज को, जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने रखा है बुमराह को। इसके बाद उनकी अगर बात की जाए उनकी टीम के लिहाज से तो बुमराह के बाद उन्होंने रखा है उमरान मलिक का नाम। यहाँ पर मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। धोनी की टीम में उमरान मलिक इस साल के लिए टी20 वर्ल्ड कप, माफ कीजिए, वनडे वर्ल्ड कप जो है वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एमएस धोनी की जो कप्तानी में भारतीय टीम खेली थी उसी तरीके की प्रदर्शन की इस साल भी उम्मीद होगी जो रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया खेलेगी। लेकिन इन 15 खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो इन 15 खिलाड़ियों में इन खिलाड़ियों को अपना दमखम भी दिखाना होगा। क्या सिलेक्टर्स धोनी की सोच से बिल्कुल इत्तफाक रखेंगे? क्या एमएस धोनी की बताई हुई टीम को सिलेक्टर सिलेक्ट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल, आप कितना इत्तफाक रखते हैं एमएस धोनी की इस टीम से, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।